टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको एक टारगेट देता हूँ। अगर आप डेटा साइंस का फ्री कोर्स चाहते हो, फ्री मतलब फ्री, वो आपको मिलेगा कैसे? आपको इस वीडियो पर जल्दी से जल्दी 250 लाइक्स कर देना है। तो अगर आप 24 घंटे के अंदर, जब वीडियो लाइव करूँगा, आप 250 लाइक करते हैं तो आपको फ्री कोर्स दूंगा, अमेजिंग कोर्सेस डेटा साइंस में। लगभग जितने भी स्किल चाहिए सारे का फ्री कोर्स आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वो भी 24 आवर्स के बाद एक्टिवेट कर दूंगा मैं सारे कोर्सेज को, बस आपको लाइक करना है 250। और एक टेलीग्राम चैनल हमारा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, फर्स्ट करने उसका लिंक है, उसको जाओ और ज्वाइन करो। इसमें और सारे बहुत सारे ऑफर्स बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो को जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा साइंस के बारे में। अगर मेरे को कोई पूछता है सर आईटी फील्ड में या फिर हाई पेइंग जॉब्स में ऐसा कोई फील्ड बताओ जो काइंड ऑफ नेक्स्ट 20 ईयर्स हमारे लिए काफ़ी अच्छा फील्ड हो सकता है, फ्यूचर अच्छा हो सकता है, पैसे अच्छे मिल सकते हैं, लाइफ अच्छा हम जी सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर हैविंग सम एक्सपीरियंस, राइट? तो वो फील्ड क्या है? डेटा साइंस। अगर आप गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं डेटा साइंस जॉब्स इन इंडिया या फिर डेटा साइंटिस्ट जॉब्स इन इंडिया, तो आप देखेंगे 1,06,000 अभी नया वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज। रिसेंट वैकेंसीज ऐड किया गया 3,204। कोई भी अगर फील्ड में जाना चाहते हैं आप, कुछ ये देखना होता है कि वो फील्ड जो है कितना ज़्यादा डिमांडिंग है मार्केट के हिसाब से। तो जो डेटा साइंस फील्ड है इसका डिमांड काफ़ी हाई है। अभी डिमांडिंग में से, मतलब मोस्ट डिमांडिंग फील्ड में से एक फील्ड डेटा साइंस है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में गाइडेंस दूंगा डेटा साइंस क्या होता है, लेके टॉप कंपनीज तक कितना सैलरी मिलता है, कौन कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं कंपनी वाले, सब कुछ। नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, कोई कंपनी वाले ने पैसे नहीं दिया वीडियो बनाने के लिए, बस जो जेन्युइन है, जो हकीकत है वो बताऊंगा आपको इस वीडियो में। ऐसे ही मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं अभी 100+ कोर्सेज का, मोस्ट डिमांडिंग फील्ड का रोड मैप बना रहा हूँ। कोर्सेज तो मिलूंगा मोस्ट डिमांडिंग फील्ड का, आप कौन से फील्ड का रोड मैप चाहते हो नीचे कमेंट करिए, डेफिनेटली मेरे 100 रोड मैप्स में आपका फील्ड आ जाएगा। और ये दूंगा आपको विद इन 2 मंथ्स के अंदर आपको मिल जाएगा, मतलब 5 मार्च तक, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको सारा मिल जाएगा रोड मैप्स। आज ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे पता नहीं आप कौन से फील्ड से बिलोंग करते हो। आप अगर आर्ट्स से हैं, आप अगर कॉमर्स से हैं, तो डेटा साइंस फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा फील्ड नहीं है। रीज़न आपको बताता हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं सीख सकते हैं, ये बोल रहा हूँ जो भी अच्छे कंपनीज हैं इन जनरल वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं भाई आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर बोलते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। तो जो भी बंदा आपको बोल रहा है कि कोई भी ग्रेजुएट डेटा साइंस फील्ड में आ सकता है, जॉब पा सकता है, वो 100% ट्रूथ नहीं है। जैसे आपको पहले बताया, ये रोड मैप्स जो होंगे नॉन स्पॉन्सर्ड होंगे, स्पॉन्सर्ड नहीं होंगे। तो मैं इसलिए ऐसा मैं स्टेप लिया, इससे मेरा नुकसान है भाई, बहुत पैसा लेता हूँ वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाने का। बट अगर स्पॉन्सर्ड वीडियो होगा मैं ऐसी बातें बोल दूंगा, वो भाई कट करने बोलेंगे और कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाएगा कंटेंट, मैं वो नहीं चाहता हूँ। तो इसी के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उसमें फ्री करियर गाइडेंस, बहुत सारे कोर्सेज का ऑफर्स, बहुत सारे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मिलता है, जिसमें 11,000 के आसपास लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जल्दी ज्वाइन करिए, उसका लिंक फर्स्ट कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में है। तो डेटा साइंस क्या होता है पहले हम समझते हैं। तो दो इसमें हमारे पास वर्ड है, एक है डेटा और एक है साइंस। डेटा मतलब आपको पता है जो भी आप काम कर रहे हैं नेट पर वो क्या है, डेटा है। आपको एक बाय कर रहे हो वो डेटा है, आप एक वीडियो को देख रहे हो वो भी डेटा है, आप कुछ सर्च कर रहे हैं गूगल पर वो भी डेटा है, दैट इज डेटा, ठीक है। साइंस मतलब आपको पता है जहाँ पर हमारे, मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, जहाँ पर चीज़ें को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसके पीछे कोई रीज़न है और उसका कोई इम्पैक्ट बन रहा है हमारे नेचर में, हमारे चीज़ों में, हमारे सोसाइटी में, दैट इज़ व्हाट साइंस। लाइट जल रही है, साइंस है। आप मेरे बातों को सुन रहे हो वो भी साइंस है। कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी साइंस है। ये आगे, मतलब अभी जो सुन रहे होंगे कोई अनाउंसमेंट चल रहा है भाई सामान खरीद लो, वो भी क्या साइंस के वजह से हो रहा है, ये एप्लीकेशन है साइंस के, ठीक है, समझ गए। तो डेटा साइंस का अगर कंबाइन कर देंगे तो मीनिंग अलग निकल जाता है।
डेटा साइंस का काम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, या फिर डेटा साइंटिस्ट क्या करता है आपको बताऊं। तो ये काम क्या करते हैं, ये बेसिकली जो भी डेटा है उससे इंसाइट्स निकालते हैं। अब इंसाइट का मतलब क्या है, उससे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं, इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। जैसे मान लो क्या है, यूट्यूब, इसमें एनालिटिक्स होता है, डेटा एनालिस्ट आपने सुना होगा मे बी। तो मान लो यूट्यूब का मेरा चैनल है, यूट्यूब में एनालिटिक्स आता है, उसमें हमें पता लग जाता है, YouTube हमें दे देती है, बता देती है कि कब ज़्यादा बंदे मेरे YouTube चैनल को देखते हैं या फिर कौन से वीडियोस ज़्यादा चल रहा है। तो उस डेटा से मैं डिसाइड कर सकता हूँ किस तरह कंटेंट मेरे चैनल पर चल सकता है, दैट इज़ व्हाट डेटा साइंस। तो डेटा साइंस का जो इनसाइट्स YouTube हमारे को दे रही है उसका यूज़ करके हम बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं। तो डेटा साइंस सिर्फ इसमें काम नहीं आता, बिजनेस में, हेल्थ केयर में काम आ सकता है, ई कॉमर्स में काम आ सकता है, गवर्नमेंट यूज़ करती है, डेमोग्राफी में, बहुत जगह पर ये काम आ सकता है। डेटा साइंस सिर्फ एक जगह पर काम नहीं आता है। आगे बात करते हैं ग्रोथ क्या डेटा साइंस का। तो अभी अगर बात करेंगे टॉप ग्रोइंग फील्ड में से डेटा साइंस है, टॉप 5 ग्रोइंग फील्ड बोलोगे पूरे वर्ल्ड का, हर जगह का, हर फील्ड का, तो एक है डेटा साइंस। इसका वर्ल्ड का CAGR कितना है, 28%। CAGR का फुल फॉर्म क्या होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इंडिया में इसका कितना है, वर्ल्ड से थोड़ा ज़्यादा है, 32% है। और ये फॉरकास्ट 2030 तक है, मतलब अभी 7 साल 8 साल का फॉरकास्ट आ चुका है। तो अगर आप जॉब करने जाएंगे, 20-30 साल का आपका जॉब का टाइम होगा, तो आपके लिए सिक्योर ये बेसिकली फील्ड है, इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, क्या ये आसान है, डिफिकल्ट है, भाई कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं देखा हूँ बहुत से लोग मेरे नोन के डेटा साइंस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो बिलो एवरेज बंदा भी डेटा साइंस का जॉब कर लेता है। इसमें बहुत सारे फील्ड होते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनने में टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा पैकेज उन्हीं को मिलता है, वो डिस्कस करेंगे अभी आगे जाके। क्या एवरेज बच्चा कर सकता है, यस एवरेज बच्चा कर सकता है, बिलो एवरेज वाला भी कर सकता है। इज इट गुड करियर इंडिया, यस ऑफ कोर्स, काफ़ी अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, सैलरी भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इन फ्यूचर में। इसका यूज़ हर फील्ड के लोगों को चाहिए, तो इसलिए भाई बहुत अच्छा फ्यूचर स्कोप है इंडिया में डेटा साइंस का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर हु कैन डू दिस कोर्स, कौन इस कोर्स को कर सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आना चाहिए, यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया। सर फ्रेशर के लिए जॉब लेना कितना डिफिकल्ट है, ये हर टॉपिक में ऐड कर दूंगा आगे, जो आएगा ऐड कर दूंगा। तो पहले बात करते हैं कौन किसको कोर्स करना चाहिए। देखो जो भी आईटी फील्ड से बिलोंग करता है, कंप्यूटर साइंस से फील्ड से बिलोंग करता है, उसके लिए एवरग्रीन है, वो कर सकता है। जो इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए ठीक ठाक है, बट जो नॉन इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए बिल्कुल इतना अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज जॉब्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकता है उनको आए। एक्सेप्शनल केस आप यूट्यूब पर देखते हैं कि बीए करके 30 लाख का पैकेज ले रहा है अमेजन पर, ऐसे एक 20-30 हज़ार में एक बंदे के साथ होता है, तो उसको लेके हम जा नहीं सकते हैं, और उसका गाइडेंस आपको नहीं करूँगा। फिर भाई मैं बोलूँगा चाय बेचना शुरू करो, पीएम बन जाओगे, ऐसा लेकिन होगा नहीं, आपको पता है होगा तो चांसेस बहुत रेयर है, तो उसको लेके हमें चलना नहीं है, हमें एवरेज बिहेवियर को फॉलो करना है, दैट इज़ व्हाट हमें कंटिन्यूम अप्रोच को अपनाना है, ठीक है, एवरेज बिहेवियर, कंटिन्यूम अप्रोच बोलते हैं उसको। तो एज ए फ्रेशर क्या जॉब लेना आसान है, नहीं, एज ए फ्रेशर बहुत आसान नहीं होगा जॉब लेना, बट उसका एक तोड़ है, दैट इज़ व्हाट इंटर्नशिप। तो आपको आता है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, उसके बाद इंटर्नशिप पर काम करो, 5-6 महीना 7 महीना काम सीखो, फिर जॉब लेना आसान है, अच्छा पैकेज मिल जाता है, 6-8 लाख का पैकेज आराम से मिल जाता है एवरेज एज ए फ्रेशर। अगर काम आता है 6-8 लाख का पैकेज मिल जाएगा बड़े प्यार से, बढ़िया काम आ गया 15 लाख तक पैकेज ले सकते हो इवन यू आर ए फ्रेशर। अगर कोई IITs NITs में पढ़ रहा है उसका 25-30 लाख पैकेज बड़े आसानी से मिल सकता है। आफ्टर 5 ईयर्स एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कितने से स्टार्ट कर रहे हो, अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप 5 लाख से, 5 साल में 15 लाख तक जा सकते हो। आप स्टार्ट कर रहे हो 20-25 लाख से, 5 साल में 10-15 लाख आपका बढ़ जाएगा, और इस तरह का पैकेज बढ़ता है। पैकेज अगर आपको बढ़ाना है अपना खुद का, सैलरी आपको खुद का बढ़ाना है किसी भी प्रोफेशन में हो, तो आपको दो चीज़ अपनाना है, पहला खुद को डेवलप करना है। सो डेवलप करने में एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है क्या, कम्युनिकेशन। ये तो टेक्निकल स्किल है बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कम्युनिकेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कम्युनिकेशन पुअर है तो भाई जॉब अच्छा लेना बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज हर जॉब में लगभग हर अच्छे जॉब में इंटरव्यूज़ होते हैं। इंटरव्यूज़ में क्रैक करने का सिंपल तरीका है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए पहला। दूसरा, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हैं, तो भाई आपको परसेंटेज को आप करना है,
परसेंटेज को आप करने के लिए, कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए, स्पेशल इन इंग्लिश, यू शुड नो इंग्लिश, अंग्रेजी आपका आना चाहिए, अंग्रेज। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है 90% बच्चों का हमारे इंडिया में, उनको आता बहुत कुछ है बट बिकॉज ऑफ इंग्लिश पढ़ने में मन नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है, बिकॉज ऑफ इंग्लिश वो लिख नहीं पाते, बेचारे जो आता है वो लिख नहीं पाते, बिकॉज ऑफ इंग्लिश वो बोल नहीं पाते। बट इसका सलूशन मेरे पास है, आई हैव फेस द सेम प्रॉब्लम जब मैं आपके एज में था। तो मैंने देखा लास्ट 2 ईयर्स मेरे ऑब्जर्व का थोड़ा सा, फिर लास्ट ईयर मैंने ऐसा एक प्रोग्राम लेके आया आपके लिए जिसमें 3 चीज़ का सलूशन एक में है, इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश में पढ़ने का, मतलब समझ में नहीं आता है वैसे अच्छी तरह से, और एग्ज़ाम में लिखने का तरीका। एग्ज़ाम में लिखने के तरीके सीखने से आपका 10-20% मार्क्स बड़े प्यार से बढ़ जाता है। इमेजिन आपका 60% आ रहा है और आप मेरे प्रोग्राम के थ्रू जाते हो और आपका 75% आता है। इमेजिन आपका 75% आ रहा है और मेरे प्रोग्राम के थ्रू जाने के बाद आपका 85% हो जाता है। समझ रहे हैं? सो ऐसा कोर्स हमारे पास है, आप इस प्रोग्राम में जा सकते हैं और इसको ले सकते हैं। इससे आपका फ़ायदा क्या मिल जाएगा, आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा, आपका बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से, आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा, कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा, एग्ज़ाम के लिए पढ़ें कैसे वो आपको पता लग जाएगा। सो ये कोर्स है आपके पास, इसका प्राइस कोई 5-10 हज़ार नहीं है, सिर्फ 499 रुपीज़ है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसलिए 100 रुपया और डिस्काउंट आपको देंगे, उसका लिंक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 100 रुपये का प्रोमो कोड और डिस्काउंट कोड भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जाइए बाय करिए और जो आपका प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करिए। जितना जल्दी सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप अंदर से स्ट्रांग फील करेंगे, बिकॉज कुछ चीज़ें स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है आपको खुद से, कोई और करके नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट आता है, सर बेस्ट कौन से कोर्सेज कौन से हैं डेटा साइंस अगर सीखना है, कहीं से सीख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज प्लेसमेंट कोई अच्छा सा इतना अच्छा देता नहीं है। सारे बोलते हैं एक हमारे इंडिया में एक है ना 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट, ये फ्रॉड है भाई, 100% प्लेसमेंट कहीं नहीं है। आपको पता है, पता होगा सबसे अच्छा प्लेसमेंट कहाँ मिलता है, IITs में। टेक्निकल की बात करेंगे, कोई आज तक IIT के वेबसाइट पर देखे हो कि हम 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट देते हैं? नहीं देखे होंगे, जहाँ पर नहीं है वहीं लिखा होता है, जहाँ होता है लिखते नहीं हो, जबकि 100% प्लेसमेंट नहीं मिलता IIT में भाई। प्लेसमेंट का सीजन हो गया, लगभग खत्म हो गया, इस बार इतना अच्छा हुआ नहीं किसी भी कॉलेज में, तो मैं वीडियोस बना के दूंगा प्लेसमेंट का, थोड़ा टाइम दीजिए, अभी आया नहीं डेटा, आएगा दूंगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या स्किल्स चाहिए इंक्लूडिंग सर्टिफिकेशन। तो भाई ये स्किल्स आपके पास क्या, एक्सेल ये फ्री, ऑलमोस्ट फ्री में करवाऊंगा, 4-5 महीने में आएगा, अभी इस पर काम चल रहा है। पाइथन आर सीख लो, C++ में हमारे पास कोर्स है, एक कोर्स बाय करोगे दूसरा कोर्स आपको फ्री मिल जाएगा, प्राइस है सिर्फ 249 रुपीज़, मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में, और ये सिर्फ इस वीडियो जो देख रहे हैं उनके लिए है। तो C++ आप एक बाय कर लीजिए, C++ बाय करो, सी आपको फ्री मिल जाएगा, प्राइस है 249 रुपीज़ विथ 3 डेज मनी बैक गारंटी, बट 10% पैसा कट जाएगा, मनी बैक सिर्फ 1-2% बच्चे मांगते हैं, अब तक जितने बच्चे हमारे पास आए हैं 20,000 के आसपास बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं टोटल कोर्सेज में। इस वेबसाइट पर आपको इस तरह का सुंदर सर्टिफिकेट मिलता है आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, और इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही एक कोर्स बाय करेंगे 3 दिन बाद आपको हमें मेल करना होगा, मेल करने कैसे करेंगे, इसी वेबसाइट पर नीचे जाओगे कॉन्टैक्ट एड्रेस होगा, मेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक अटैच कर देना कि सर आपने बोला था एक के साथ एक फ्री है, जल्दी दीजिए हमें चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना, 125 रुपीज़ में स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेंट, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और इसमें क्वीज भी है। और क्या चाहिए आपको, सर्टिफिकेट मिल रहा है, हमारे टाइम में 1000 मिलता नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, तो आपके पास पावर BI टैबल्यू, ये क्या है, डेटा विजुलाइजेशन टूल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सर्टिफिकेशन होता है, लेना जरूरी है अगर आपको इस फील्ड में काम करना है, तो थोड़ा सा एज मिलता है एज ए फ्रेशर जॉब लेने के लिए। बिगिनर टूल्स में स्पार्क है, हडूप है, सस प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स आपको सीखने की जरूरत है, लीनियर अलजेब्रा आपको थोड़ा आना चाहिए, कैलकुलस आपको आना चाहिए अगर इस फील्ड में काफ़ी अंदर जाना है तो। डेटा रैंगलिंग टूल्स में ऑल्टेयर है, एलेंट है, डेटाबेस में MySQL, MongoDB, Oracle, ML, DL with NLP, NLP क्या होता है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ML मशीन लर्निंग है, DL डीप लर्निंग है, NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, NoSQL, क्लाउड कंप्यूटर है, AWS Amazon वेब सर्विसेज है, Azure माइक्रोसॉफ्ट का है, G क्लाउड मतलब गूगल क्लाउड है, DSA
डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्किल अगर गेन कर लेते हैं आप तो आपको सिर्फ डेटा साइंस में नहीं बहुत जगह काम आ सकता है, AI में भी काम आ सकता है, मशीन लर्निंग काम आ सकता है। ये सारे जो फील्ड हैं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड है, इसको आप कंसिडर कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें डिफरेंट जॉब्स फील्ड कौन कौन से हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जॉब्स की बात करोगे तो लोग जो स्टार्ट करते हैं दो चीज़ से स्टार्ट करते हैं इन जनरल, या तो डेटा इंजीनियर या तो डेटा एनालिस्ट, फिर आप डेटा स्टूडेंट बन सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। जो लास्ट होता है इसका जो बड़े पोस्ट होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा पैकेज मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स फील्ड दैट इज़ व्हाट डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा आर्किटेक्ट भी बोल सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा पैसा लेता है। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, EDA ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस ये प्रोसेस होता है, ये सबको आता है जो भी डेटा साइंस फील्ड में काम करते हैं, बिकॉज इसके बिना डेटा साइंटिस्ट कैसे बनेगा, डेटा एनालिस्ट कैसे बनेगा। प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, वेरीफाई क्वालिटी ऑफ डेटा, डेवलप मॉडल्स यूजिंग एल्गोरिदम बेस्ड ऑन न्यू ट्रेंड्स, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम्स, ये बेसिकली आपका रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आता है। करियर पाथ कैसा होगा, भाई ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, एनालिस्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर एक्सपीरियंस 5 साल एक्सपीरियंस के बाद डेटा साइंटिस्ट बन जाते हैं, सिंपल। टॉप कंपनीज कौन कौन से जॉब अच्छा पैकेज देती है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वर्ल्डमार्ट, भाई वर्ल्डमार्ट में काफ़ी अच्छे पैकेज मिलता है। मैंने एक बच्चे का पॉडकास्ट किया हुआ है जिसको वर्ल्डमार्ट में अच्छा पैकेज मिला था, आई थिंक अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ 20 लाख के आसपास पैकेज मिला था, तो आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। ये सारे टॉप कंपनीज हैं इंडिया में, कैंपस प्लेसमेंट के जरिए मिलता है यहाँ पर इन कंपनी में जॉब, और खुद से भी जॉब ले सकते हो अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो, और उसका चांसेस है जॉब लेने का, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। तो डेटा साइंस के बारे में होपफुली आपको पता लग गया पूरा डिटेल में, मैंने पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करा विद डेटा ताकि आप मैक्सिमम आउटकम ले पाएं, इस अपने फ्यूचर को काफ़ी बढ़िया बना पाएं। तो सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई और रोड मैप चाहते हो किसी भी टॉपिक पर नीचे कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू शेयर द रोड मैप विथ यू, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।